अब के बाद रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची कल जारी कर सकती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि कल बाकी पांच सीटों पर, पांच लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। और आपको बता दें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इस पर फैसला आएगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हाईकमान मेरे चुनाव लड़ने या न लड़ने पर फैसला करेगा। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहली सूची जारी हो गई है और पांच नाम अभी और बचे हैं, कब तक वो नाम आ जाएंगे? संभवतः कल दूसरी सीईसी का मीटिंग है और जो हमारे पांच नाम बाकी हैं पांच लोकसभा में, वो संभवतः कल के सीईसी में फाइनल हो जाएगा। काफी मुस्कुरा रहे हैं सर, और इस आपके ऊपर जो है काफी फोकस है कि दीपक बैज लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और हर बार जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो इसी मुस्कुराहट के पीछे आप बहुत चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। अब तो चूंकि कल नाम आने ही वाला है, तो देखिए अब तो कल नाम आ जाएगा तो सवाल नहीं है, पूरा प्रदेश देखेगी। नंबर एक सवाल दीपक बैज का लड़ने और नहीं लड़ने का नहीं है, सवाल है हम देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, देश की युवाओं के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है। इसलिए हर लोकसभा क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी आएगा कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और यह है कि कल हम चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द सूची आ जाए, और जो बाकी शेष पाँच नाम भी है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई संशय नहीं है, लगभग पूरे नाम क्लियर है। बस सीईसी का मुहर लगना है, कल मुहर लग जाएगा तो वो नाम भी क्लियर हो जाएंगे। अरुण साहू कह रहे हैं कि सब हारे हुए जो चेहरे हैं उन पर दाव लगा रहे हैं इसका। देखिए चुनाव में कोई जीतना हारना सवाल ही नहीं है, सवाल है मुद्दे की, सवाल है देश की, सवाल है संघर्ष का। क्या भारतीय जनता पार्टी जहां 50-52 से क्या 15 में नहीं आई थी? क्या उनके लोग विधानसभा चुनाव में जो हार गए थे उसको टिकट नहीं दी, आज सरकार बनाई? सवाल हारना और जीतना नहीं, सवाल है कि हम 11 सीटों में मजबूती के साथ लड़ेंगे, हमारा एजेंडा विजन सब क्लियर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस समय पूरी देश में देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी है, सिर्फ ये भगवान के नाम से कब तक राजनीति करेंगे, जनता जान चुकी है। अब हमको महंगाई और बेरोजगारी से हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। विजय शर्मा कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जो है वो दुर्ग से क्यों नहीं लड़े, राजनांदगांव आए, राजनांदगांव के लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? दुर्ग में हमारा मजबूत प्रत्याशी है, रायपुर में हमारा मजबूत प्रत्याशी है, राजनांदगांव भी मजबूत प्रत्याशी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का बयान अगर देखेंगे आप, उनका मायने निकालेंगे, मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि हमारा जो 6 कैंडिडेट हमारी पार्टी ने डिक्लेयर किया है उनके देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। सवाल है किसके चेहरे पे चुनाव लोकसभा? कांग्रेस ही हमारा चेहरा है, सबसे बड़ा कांग्रेस ही हमारा चेहरा है, कांग्रेस हमारा एजेंडा है और हमारा विजन, दोनों चीज़ क्लियर है, एजेंडा और विजन पे लड़ेंगे बस। और हम लोग के देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश की अर्थव्यवस्था को बचाना, ये हमारा सबसे बड़ा चेहरा है। तो ये है दीपक बैज, और उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वही चेहरा है, उसके उस चेहरे पे लड़ेंगे। अपने नाम को लेकर उनका कहना है कि कल चीज़ें जो है, स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। दरअसल बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। ओबीसी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चलेश्वर चंद्राकर बीजेपी में शामिल हो गए, अकलतरा के पूर्व एमएलए चुनीलाल साहू बीजेपी में शामिल हो गए। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इन दोनों ही नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल रायपुर में भारतीय जनता पार्टी किसान महासम्मेलन चल रहा है और इस दौरान ये दोनों ही बड़े नेता वहाँ पहुँचे। कांग्रेस पार्टी का इस्तीफे का जो इन्फॉर्मेशन है पहले ही आपको मिल चुका है, जिस पर कि कयास ये लगाए जा रहे थे और फिर हुआ भी वही, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की दोनों ही नेता। और कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अवसरवादी लोगों के जाने से कांग्रेस पार्टी को
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस से अपने ही कार्यकर्ता नहीं संभाले जा रहे, इसलिए कांग्रेस बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ऐसे कचोरी समोसे जो आज तक पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाए कांग्रेस पार्टी ने, जिनको अनेकों बार राज्यसभा भेजा, केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, ऐसे कचोरी समोसे अगर कांग्रेस पार्टी से जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात विधायक संजय शुक्ला जी की रही हो, जिनका पूरा परिवार, जिनके पिताजी ने अनेकों बार चुनाव लड़ा, जिनके भाई ने चुनाव लड़ा, जो विधायकी के लिए जो परिवार तरसता रहा, उस परिवार को पहली बार विधायकी देने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खादी के नीचे खाकी पहन रखी है, जो भेड़ के वेश में भेड़िए हैं, जो अफसरवादी हैं। जब कोई कांग्रेस छोड़ देता है तो कांग्रेस अपनी असलियत बताती है। क्या कांग्रेस अभी भी उम्मीदवारों की जो तलाश करी उसमें बिकाऊ टिकाऊ देख रही है? क्या अपने कार्यकर्ताओं को बिकाऊ टिकाऊ मानती है? वो बिकाऊ मानती है क्या? वो भ्रष्टाचारी मानती है? हम तो कांग्रेस को शुरू से भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व तो भ्रष्टाचारी है। कार्यकर्ता उनसे आज ही जो तंग आ चुका है, और वो राष्ट्रवाद और भारत की अस्मिता, भारत के विकास और भारत के गौरव के साथ है, इसलिए वो छोड़ छोड़ के आ रहे हैं।